सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो हमारे लैपटॉप होते हैं जो किचन के अंदर लगाए जाते हैं सिंगल डोर्स के, तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए और हमारे जो साइज होते हैं साइज के बारे में मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। जैसे सिंगल डोर्स का लगाना तो आप इसमें इस वीडियो में देख के आसानी से लगा सकते हैं और इसमें अपना साइज भी पूरी डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिसमें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे लैपटॉप लगाना है तो ये आइनॉक्स कंपनी का है और आप इसको लगा सकते हैं। इसका जो हमारा प्राइस आता है जैसे आपको लेना होता है तो ये 1300-1400 रुपये में वन डोर्स का आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको लगाने का तरीका भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में और इसमें हमारे जो साइज़ होते हैं साइज का ज़रूर ध्यान रखें किस तरीके से लगाए जाते हैं और अपने फिटिंग इसमें जो हमारे लगाई जाती है वो कैसे कैसे लगाई जाती है। तो इसमें आपका जो साइज़ है साइज़ के बारे में फ़िटिंग के बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगी इसमें। आप देख सकते हैं ये आपके इसमें जो लॉक लगाए जाते हैं ये हमारे लॉक इसलिए होते हैं कि जिसमें कि आपका जो डोर्स होता है तो उसका जो सॉफ्ट क्लोज होता है ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। अगर आपको लगाना है तो इसमें जैसे आपका ज़्यादा जल्दी तेज़ वजह से बंद होता है या आराम से बंद करने के लिए होता है, जिसमें कि आपका डोर्स गिलास का होता है तो वो आवाज़ नहीं करे ये लोग जो होते हैं पीछे वाले, तो भाई इसी तरीके से लगाए जाते हैं इसमें कि इसलिए लगाने ज़रूरी होते हैं। तो इसमें आपको अपना जो स्पीड बढ़ानी होती है कम बढ़ती करनी होती है वो भी इसमें होता है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखा दूँगा। आपको जैसे हमारा जो डोर्स होता है वो आवाज़ नहीं करना चाहिए और आराम से सॉफ्ट क्लोज की तरफ बंद होना चाहिए, तो उसके ये जो हमारा सॉफ्ट क्लोज के लिए होता है तो इसमें जैसे आप लगाते हैं तो ये फिटिंग ज़रूरी होती है। इसमें जो हमारे प्लास्टिक के क्लिप होते हैं ये जो कैप होते हैं ये लगाने ज़रूरी होते हैं जिसमें आपका जो लगे तो वो लेफ्ट राइट होता है। ये तो ये देख सकते हैं इसमें हमारा जो लॉक ऊपर से लॉक लग जाता है तो बंद हो जाता है। इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें जो साइज़ नापना होता है जैसे आपको अंदर की साइड लगाना पत्ती तो ये 1.5 इंची अंदर करके लगा सकते हैं और ऊपर से जो हमारी पत्ती लगाई जाती है इसमें हमारे पहले निशान थे तो इसमें जो पत्ती ऊपर से लगाई जाती है नीचे करके तो आप इसको लगा सकते हैं 0.9 इंची पे। ऊपर से बक्से के अंदर अंदर जो हमारा साइज़ नापा जाता है वो भी मैं आपको साइज़ दिखाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको इनके जो लॉक होते हैं उनके लिए ड्रिल करनी ज़रूरी होती है। ये देख सकते हैं आपका जो जहाँ पर लॉक का जो साइज़ आता है 0.25 इंची, तो बाहर की पत्ती जो मिलती है 1.5 इंची और उसके अंदर ये अपना 2 सूत का इसमें वो होता है साइज़, तो इसमें अपना निशान मार सकते हैं। तो आपको जो बाहर की साइड की पत्ती करनी है 1.5 इंची करनी है और जो हमारे लॉक के निशान करने हैं वो 0.25 इंची पे, ये साइज़ होता है। और आप देख सकते हैं बीट आपको उसी हिसाब से लगाना जिस हिसाब से आपका इसमें लॉक होता है। ये लॉक इसलिए होते हैं कि आपके जो स्क्रू होते हैं स्क्रू में जो चाल होती है थोड़ी बहुत तो उसमें चाल हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो इसमें ये लॉक लगाने के बाद आपका ये लूजिंग नहीं रहेगी इसलिए इसमें लॉक आते हैं। तो इसको अपना इस तरीके से बैठा कर लगा सकते हैं इसमें और उसके बाद अपना स्क्रू टाइट कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर बैठना चाहिए। अगर इसमें जैसे प्रॉपर नहीं बैठेगा तो आपका लैपटॉप जो है काम नहीं करेगा, उसमें आपकी दिक्कत रहेगी टूटने का भी और उसमें दिक्कत रहेगी आपकी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके का अपना लगाना ज़रूरी है और उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी जो पत्ती होनी चाहिए साइड वाले जो क्लिप होते हैं ये बैठनी ज़रूरी होती है बॉक्स के अंदर, उसके बाद अपना इसमें लगा सकते हैं। ये अपना 7.5 इंची पे आगे की साइड करके लगानी होती है जो ऊपर का हमारा जो डोर्स में लगाया जाता है इसका जो क्लिप, तो उसको आप 7 इंची हटा कर लगा सकते हैं। और हमारा जो साइड से डोर्स के हिसाब से लेवल अपना रखना होता है जैसे आपको साइड में लगाना होता है जिसमें कि अंदर बॉक्स में अड़े नहीं, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और ये हमारा फिट हो जाता है। तो इसमें अपना हिसाब देख सकते हैं और इसमें अपने क्लिप जितने आते हैं जिस हिसाब से फिटिंग आती है उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो क्लिप में हमारा सारा कुछ इसमें आता है और बाहर से आपको कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपना देख सकते हैं लैपटॉप सिंगल डोर का इसी तरीके से लगाया जाता है। डबल डोर्स का अगर आपको लगाना है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख कर लगा सकते हैं। आपको डबल डोर्स में लगाना होता है तो ये अपना इस तरीके अपना लॉक लग जाता है ऊपर से और लॉक में ही टाइट हो जाता है, ये देख सकते हैं बंद करके इस ये जैसे आपका डोर्स जैसे बंद नहीं होता है जैसे जल्दी से, तो इसके हिसाब से चाल भी होती है इसमें पीछे जो हमारा स्क्रू होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे आपको इसमें चाल कम बढ़ती करनी होती है ये देख सकते हैं पीछे की साइड जो होता है हमारा जिसमें स्क्रू होता है इसे पेचकस से भी कर सकते हैं आप, तो उसके बाद अपना हाथ से भी इसको इसमें लूजिंग होती है उस हिसाब से इसको खोल सकते हैं। तो ये अपना बंद होने के बाद अपना देख सकते हैं ये पीछे हमारा स्क्रू होता है इसको आपको ढीला करना होता है और इसमें इसलिए होता है कि चाल इसकी कम बढ़ती करने के लिए,
जो हमारा चाल कमबरती हो जाती है और अपना फ्रंट का जो होना चाहिए वो लेवल आना चाहिए। ये आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मैं दूसरा पीस लगा कर दिखाता हूँ, सिंगल पीस पे आपको इसकी जो चाल होती है, जो इसका प्रेशर होता है, जो उसको आप सिंगल सोकर पर नहीं कर सकते, डबल पर कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, सिंगल पर करते हैं तो एक की चाल बना लेते हैं, दूसरे की दिक्कत रहती है। तो उस हिसाब से आप दोनों के साथ ही बनाएं तो अच्छा है। ये देख सकते हैं, ये ऐसा स्क्रू होता है पीछे की तरफ, ये जितना खोलोगे आप उतना ही इसमें जो हमारा सॉफ्ट क्लोज होता है वो कम हो जाता है, और उसका कम जो सॉफ्ट क्लोज होता है तो वो आसानी से बंद हो जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देते हो तो जैसा आपका डोर्स भारी होता है उसके हिसाब से इसको टाइट किया जाता है, अगर आपका डोर्स हल्का होता है तो उसके हिसाब से इसको लूज किया जाता है, जिसमें कि बंद जो होगा आसानी से हो जाना चाहिए। तो ये अपना दूसरा भी इसी तरीके से लगाया जाता है, और उसका साइज आपको प्रॉपर नापना है। साइज में जो हमारे साइज होते हैं ऊपर नीचे नहीं करना होता, जो हमारे लगाए जाते हैं अंदर बॉक्स में, तो इसमें अगर ऊपर नीचे करते हो आप तो इसमें जो चाल होती है इसकी कमबरती हो जाती है और ये आपका प्रॉपर सही नहीं चलेगा, फिर इसमें दिक्कत रहेगी आपको। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इसमें स्क्रू जो आते हैं दो आते हैं, तो दोनों स्क्रू आपको लगाने होते हैं, ऊपर नीचे स्क्रू की जगह होती है तो प्रॉपर टाइट करने। और ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसको बिठा, अगर नहीं बैठता तो आप इसको बिठा सकते हैं, अगर आपको जैसा लगता है कि इसमें बाहर है तो उस हिसाब से आप इसको बैठा सकते हैं। फिर उसके बाद अपना जो डोर्स में लगाया जाता है डोर्स में आप लगा सकते हैं। साइज आपको दूसरी साइड से नाप के अपना उसी साइज के हिसाब से लगाना है। और इसमें जैसे हमारा जैसे नहीं बैठती पत्ती, तो उसमें देख सकते हैं ये प्रॉपर बैठना चाहिए, लॉक जो होता है इसके अंदर, अगर ये नहीं बैठेगा तो आपका ये लॉक निकलने का चांस रहता है, इसमें बाहर निकल सकता है, तो इसमें आगे चल कर दिक्कत आ सकती है। तो इसको प्रॉपर सही तरीके से आपको बिठाना होता है, सही तरीके से आप इसको बिठा सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारी जो पत्ती होती है तो इसको बिठाना ज़रूरी है। ये अपना उसके बाद बैठने के बाद आप इसको लगा सकते हैं, और ऊपर अपना डोर्स में साइज़ के हिसाब से, जैसे हमारा दूसरी साइड था उसी तरीके से डोर्स में जहाँ पे आपका सोकर आता है ये अपना लिफ्टअप, उसी हिसाब से आपको लगाना 7.5 इंची, 7.5 इंची हमारा डोर्स में अटैक कर लगाया जाता है। बॉक्स के अंदर साइज़ जो रखना आपको 8.25 या सूतकम 9 नीचे की साइड करके लगाना होता है। तो ये अपना देख सकते हैं, इसमें अपने पेच स्क्रू जो होते हैं हमारे पूरे प्रॉपर लगाने हैं इसमें, और इसको टाइट करके ही आप अपना इसकी जो चाल होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जैसे हमारा एलंकी का भी होता है इसमें, वो उसमें जैसे आपको इसकी चाल ज़्यादा करनी है या इसके जो हमारा हाइड्रोलिक होता है पंप उसको ज़्यादा बढ़ाना घटाना, उसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा पीछे से इसको लूज करना होता है, तो ये हमारा जो डोर्स है सिंगल डोर्स, जैसे वजन कम होता है उसके हिसाब से इसमें पीछे चाल करने के लिए होता है, इसमें वजन के हिसाब से जो हमारा डोर्स में वजन ज़्यादा होता है जैसे 30 kg का 15 kg का ऐसे इस हिसाब से होते हैं। तो इसके साथ ये देख सकते हैं अपना एलंकी से आपको बीच में से ही एलंकी घुमा के अपना इसकी चाल कमबरती कर सकते हैं आप। और इसमें जो हमारी एलंकी साथ ही आती है, बाहर से कुछ नहीं लेना आपको, सारी फिटिंग इसी के अंदर आएगी और ये देख सकते हैं आराम से बंद हो जाता है। इसी तरीके से आपको लगाना है, और इसमें हमारी जो चाल है कमबरती इसी से होती है, जैसे आपको कम ज़्यादा करनी है तो इसी में दोनों को आपको बराबर, इसके नंबर होते हैं नंबर के हिसाब से दोनों को बराबर इसकी चाल रखनी होती है। अगर आपके जैसे ये लोग हमारा जैसे ठीक नहीं बैठा तो इसको एक बार दोबारा पत्ती को बिठाएं, बिठाना ज़रूरी है। जैसे आपका कहीं पर अड़ता है तो उसको एक बार दोबारा चेक करें, उसके बाद अपना बिठा सकते हैं इसमें। और अपना साइड से जो होता है हमारा, जैसे आपकी पत्ती देख रहे हैं इसमें जैसे प्रॉपर नहीं बैठ रही तो इसको आप देख सकते हैं, अगर हमारा जैसे इसमें प्रॉपर बैठता है तो घुमा के भी देख सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि इसमें लोग ऐसे जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं तो वो सही तरीके से फंसते नहीं है, तो उस तरीके से आपको इसमें सही तरीके से बिठाने होते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे ये बंद नहीं हो रहा, तो इसमें आपको चाल उसी से ही करनी होती है, इसका जो हमारा प्रेशर होता है उसको जो हमारे हाइड्रोलिक होता है पंप इसका बढ़ाना ज़रूरी होता है, तो उसके हिसाब से जो हमारा ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। सॉफ्ट क्लोज होता है, या सॉफ्ट क्लोज के लिए आपको पीछे इसमें सॉफ्ट क्लोज दिया जाता है जिसको आप स्क्रू लूज करके टाइट करके उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा दूसरे लैपटॉप होते हैं उनमें स्क्रू का होता है पेज टाइट करने का, इसमें भी वैसे ही सिस्टम है, और ये हमारा बहुत आसान भी है और सस्ता भी मिल जाता है मार्केट में। आप अपने जो हमारे हिंजेस होते हैं उनको टाइट कर लें, उनमें लूजिंग तो नहीं है, अगर उनमें लूजिंग है तो उसमें ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी होती हैं, और अपना इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जैसे अभी बैठ नहीं रहा तो इसमें कमी इसके अंदर है, जैसे आपको लगाना है तो ये जैसे आपके कब्जे जो होते हैं, कब्जे आपके प्रॉपर ढंग से बैठे हुए नहीं होते हैं, और इसको पीछे से अपना जो स्क्रू है उसको लूज करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद ही अपना बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा ये प्रॉपर बैठ चुका है, ये बंद हो गया, और इसको आप इसको पीछे वाले जो स्क्रू होते हैं वो हमारा
हाइड्रोलिक वाले वो लूज करने होते हैं। ये देख सकते हैं प्रॉपर टाइट अपना हो गया, बंद हो गया और इसी तरीके से आपको लगाना। तो ऐसा ही तरीका है लगाने का। अगर आपको जैसे डबल डोर्स का लगाना तो उसका भी आप लगा सकते हैं, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपको जैसे हमारा जो सोकर होते हैं, सोकर भी लगाने, जो हमारा ये साइज़ जो है डोर्स का साइज़ है इसका हमारा 600 mm चौड़ाई है, उसकी जो हाइट है 708 mm हाइट है, उसके हिसाब से इसमें इसी तरीके का अगर आपको लिफ्टअप लगाना तो साइज़ के हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। 27.5 इंची हाइट हो गई और आपकी 24 इंची चौड़ाई होगी। सिंगल डोर्स में यही लगाया जाता है, ये देख सकते हैं प्रॉपर काम कर रहा है। इसी तरीके से आपको इसको टाइट, और इसमें जो हमारा मेन काम होता है सिर्फ इसकी सेटिंग करने का होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, और इसी तरीके से आप लोग इसके लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अपने इसको लगाने के बाद इसकी क्लिप होती है प्लास्टिक की, जो लॉक होते हैं वो बंद आपको करने हैं साइडों से। ये हमारा प्रॉपर टाइट हो गया और सही तरीके से ये चल रहा है, ये देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोज। इसका तेज़ करना तेज़ भी कर सकते हैं, ये लॉक है, इस तरीके से आप लोग इसमें लगा सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। ये हमारा फिटिंग जो होती है, फिटिंग में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आप भी कर सकते हैं इसको देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अगर आपको जैसे डिज़ाइन देखने हैं तो डिज़ाइन आपको जैसे हमारे किचन के हो गए, वार्डरोब के हो गए, टीवी पैनल के हो गए, अगर ऐसे कोई डिज़ाइन देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम है हमारा वुडवर्क जेटके के नाम से है, तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, मंदिर के भी डिज़ाइन मिलेंगे, लेटेस्ट डिज़ाइन आपको वहीं पे मिलते रहेंगे। अगर आपको जैसे डिज़ाइन की ज़रूरत होती है देखने की तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अच्छी वीडियो फिर देखेंगे आपसे। अपना रखिए ख्याल, थैंक यू फ्रेंड।